वेलकम आज के इस वीडियो में सभी का। और आज हम लोग इस वीडियो में फाइल के बारे में जानेंगे, फाइल क्या होता है और फ्यूचर ट्रेड में इसका किस तरह से यूज होती है, इसकी सारी जानकारी आज हम लोग यहां से लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए यहां पर फाइल, फाइल का हिंदी में नाम होता है आपका रेती, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रेती कहते हैं। तो समझते हैं हम लोग रेती क्या होती है या इसकी यूज किस तरह से हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग आपका आईटीआई की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन में इसकी किस तरह से यूज होता है उसको हम जानते हैं। तो जब भी कभी हम लोग को ऑप्शन में जॉब बनाना हो, जॉब आप लोग समझते हो कुछ भी हो आपका ऑफिस हो, और उसको हमको बनाना है किसी एक शेप साइज में। जैसे आपका कोई भी एक शेप साइज आपका दिया हुआ रहता है, मान लेते हैं हम हैंसू से इसको कटिंग करके लाए हैं, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा टेढ़ा चल गया या आपका ये पूरा फिनिशिंग आपका नहीं है, ठीक है, ऐसे तो हम लोग इसको एक्सो से भी थोड़ा सा हटा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा उसको फिनिशिंग करना है तो हम लोग यूज करते हैं फाइल का। इसमें भी आपका फाइल आपका बहुत तरह तरह का आपका होती है, तो सारी चीजों का हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि फाइल क्या होती है, यानी फाइल एक आपका क्या है, हैंड कटिंग टूल है, यानी हाथ से काटने वाला है, क्या है आपका औजार है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आईटीआई में हो या आपका विभिन्न और जगह में भी करते हैं। जैसे किसी भी आपका कटिंग टूल्स का उसका धार को आपका तेज करना हो या आपका बहुत जगह पे आपका ये दुकान में भी आपका होता है ट्यूब में आपका घिसने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट आपका फाइल का यूज होता है। वहाँ पर लकड़ियों में भी होती है, ठीक है। तो फाइल क्या देखा जाए, एक आपका हैंड कटिंग आपका टूल्स है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फाइल, यानी फाइल में कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स ऑफ फाइल, एलिमेंट्स ऑफ फाइल, फाइल कैसे दिखता है, ये देखने में किस तरह से होता है और इसके सारी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये आपका हम यहाँ पर फाइल बना दे रहे हैं, इस तरह से मेरा देख लीजिए आपका फाइल बना रहे हैं। यहाँ पर आपका जो दिखा रही है आपका टीथ होती है, टीथ जो होता है आपका फाइल का फेस पर कटा हुआ होता है इस तरह से, और ये भी आपका कोई एंगल में होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सिंगल कट फाइल दिखा रहे हैं, तो सिंगल कट फाइल का जो आपका टीथ का जो इस झुकाव होता है ये आपका 60 डिग्री का एंगल में होता है, लेकिन एक आपका डबल कट आता है जिसमें आपका 70 और एक साइड में आपका क्या होता है 51 डिग्री का होता है। तो इसको देख लीजिए अभी आपको, ये आपका फाइल यहाँ पर हम बना चुके हैं, ठीक है। इसके हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो एलिमेंट्स यानी फाइल के तत्व, इसके डिफरेंट आपका पार्ट्स को क्या क्या नाम से जानते हैं, और ये एक आपका एग्जाम में आपका पूछता भी है, ठीक है। किस तरह से आपका क्वेश्चन आता है देखिए, जैसे आपका ये इस भाग को देख रहे हो, यहाँ पर आपका एरो दिया हुआ है, ठीक है, और इस भाग को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नंबर ही अभी कर दे रहे हैं, उसके बाद इसका सभी का नाम बताएंगे। ये भाग देख रहे हो इस तरह से आपका एरो लगा दे रहे हैं, ठीक। दूसरा नंबर, ये बीच वाला भाग तीसरा नंबर, इसको हम चौथा नंबर ले लेंगे, चार नंबर, ये जो टेपर दिया है ये आपका कोई एक नंबर दे रहे हैं, पांच नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आपका हैंडल को जो आपको बांध के रखी है, इसका एक नाम आपका यहाँ पर दे रहे हैं आपका छठा, ये जो अंदर घुस गया है, ठीक है, फाइल का जो आपका इधर वाला जो पॉइंट जो हैंडल के जो अंदर आपका घुस जाता है इसका कोई एक नाम होगा, ये आपका सात नंबर, और ये एक आपका आठ नंबर। इसमें आठ हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे, यानी आठ इसका पार्ट्स के बारे में जो मुख्य रूप से आपका देखा जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो पहला जो सबसे इधर का जो इंडी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सबसे लास्ट फाइल का सबसे इधर वाला छोर, इसको कहा जाता है आपका टिप या पॉइंट, क्या कहते हैं, टिप या आपका पॉइंट, सबसे लास्ट भाग को।
कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे लास्ट इधर वाला जो भाग होती है उसको टिप या आपका पॉइंट कहा जाता है फाइल का। नेक्स्ट आइए इसका जो ये साइड, साइड को क्या कहते हैं हम लोग, एज। ठीक है, तो यहाँ भी आपका साइड जो भाग देख रहे हो इसको एज कहा जाता है, एज। क्या कहते हैं? एज। ठीक है, साइड वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं आपका, एज कहते हैं। तीसरा नंबर फाइल का ये बीच वाला पर्सन दिखा रहा है, जहां पर इसका जो टीथ है ना, टीथ जहां पर आपका कटा हुआ है उस भाग को दिखा रहा है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, फेस। क्या कहेंगे? फेस। और फाइल का जो टीथ होता है वो फेस पर कटा होता है, और इस तरह से लाइनिंग जो देखते हो ना, ये इसको कहा जाता है आपका टीथ। ठीक है, तो फाइल का फेस में टीथ कटा होता है। नेक्स्ट, ये आपका जो खाली जगह थोड़ा सा इधर साइड में देख रहे हो, अब खाली जगह जो भाग है इसको कहा जाता है आपका हिल। क्या कहते हैं? हिल। ये हो गया आपका हिल। नेक्स्ट आइए, हिल से जो आपका फाइल का इस तरह से आपका मुड़ाव है, यानी आपका टेपर थोड़ा है, इसको कहा जाता है आपका शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर। शोल्डर, ये हो गया तुम्हारा शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसका जो इधर का जो एंड पॉइंट जो आपका हैंडल के अंदर जो घुस गया है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, टेंग। टेंग कहते हैं इसको, टेंग। ठीक है, और फाइल का देखा जाए आपका टेंग जो देख रहे हो, ये आपका बाकी इधर के कंपेयर में आपका मुलायम होती है, या आपका इसको मुलायम रखा जाता है, क्योंकि ये जो होता है आपका हैंडल के आपका अंदर में आपका क्या होते हैं, आपका फिट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मुलायम रखा जाता है। नेक्स्ट आइए, ये जो देख रहे हो ये हैंडल के ऊपर में, ठीक है, हैंडल के इधर एंड पॉइंट में यहाँ पर, ठीक है, जिधर आपका फाइल को जकड़े रखता है यानी बांध के रखता है, इसके ऊपर में एक मेटल की आपका पत्ती लगाई हुई रहती है, इस पत्ती को कहा जाता है आपका फेरुल। क्या कहते हैं? फेरुल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका क्या है, हैंडल, हैंडल जिसमें हम लोग पकड़ते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा हैंडल। ठीक है, अब ये हम लोग देख लिए इसके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, अब हम लोग समझते हैं कि इसके ये जो फाइल होते हैं ये कौन सा मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और इसका हैंडल कौन सा मटेरियल का होता है, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में आता है कि फाइल जो होती है वो कौन से मटेरियल से आपका बना होता है। तो फाइल देखिए, मैक्सिमम जो कटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, हैंड कटिंग टूल्स, वो होते हैं आपका HCS यानी हाई कार्बन स्टील, HCS। मैक्सिमम आपका देखा जाए यहाँ पर हैंड कटिंग टूल यानी हाथ से काटने वाला जो औजार होते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। कार्बन स्टील कौन से स्टील? हाई कार्बन स्टील के। ठीक है, मैक्सिमम अब जितना भी आपका, अगर आपको देख रहे हो कि ये हैंड कटिंग टूल है, समझ जाओ कि वो हाई कार्बन स्टील का आपका बना होता है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, और कुछ कुछ स्पेशल टूल्स जैसे होंगे टेप हुआ या आपका डाई, वो सब आपका HCS का बना होता है, तो उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हम लोग हाथ से जो यूज कर रहे हैं वो सब जितने भी टूल्स हैं वे किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मटेरियल देख लिए हैं। अब आपको पूछता है कि फाइल का, जैसे अभी हम बताएं कि फाइल का जो टेप होता है ये इधर के कंपेयर में मुलायम होता है। ठीक है, तो ये आपका कंपेयर में क्या होता है? आपका मुलायम होता है। तो आपको एक क्वेश्चन आती है कि फाइल का किस भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका फाइल का किस भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। किसी भी कटिंग टूल्स का हम लोग उसी भाग को हार्ड और टेम्पर करते हैं जिसको हमको टूटने से बचाना हो। तो फाइल का हम लोग किस भाग को टूटने से बचाएंगे? तो आपका टीथ। ठीक है, तो इसका जो टीथ वाला जो पर्सन होता है उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हार्ड और आपका टेम्पर करते हैं। अब आइए, इसका हैंडल जो होता है ये क्या आपका मेटल का ही बनता है या कोई दूसरा मटेरियल का बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फाइल का जो हैंडल होता है वो हम लोग के हाथ में पकड़ते हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग कभी भी अगर आप जिसमें सेम मटेरियल का होता है तो उसमें आप लोग पकड़ के काम किया करके देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें हाथ में क्या होती है आपका यर्क लगता है। ठीक है, जिसके कारण से ये इसका जो हैंडल होता है ये आपका वुड या प्लास्टिक का बना रहता है। किसका? वुड यानी लकड़ी या आपका प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक आजकल रेडीमेड आया है, प्लास्टिक के आपका बना हुआ मिलेगा या आपका वुड का। ठीक है, वुड थोड़ा सा महंगा होता है, इसके कारण से कोई कोई आपका प्लास्टिक का भी अभी यूज किया जा रहा है।
तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर फाइल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, किसी भी जॉब बनाते समय उसके सरफेस को फिनिशिंग के लिए या आपका एक्यूरेसी में हमको लाने के लिए उस जॉब का, ठीक है। नेक्स्ट फाइल का मटेरियल आप लोग देख लिए, इसके कौन कौन सा मटेरियल से बना होता है, तो फाइल कौन से मटेरियल से बना होता है, हाई कार्बन स्टील, इसका हैंडल देख लिए कौन सा मटेरियल, और फाइल का कौन सा भाग जो होता है आपका मुलायम होता है, तो कौन सा भाग आपका मुलायम होता है, टिन। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग की फाइल को, देख लो इसकी लंबाई हम लोग कहाँ से लेते हैं, ठीक है, क्या फाइल की लंबाई यहाँ से इसके हैंडल के अंत तक लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, तो फाइल की लंबाई जो होती है ना वो यहाँ से यहाँ नहीं दिया जाता है। देखिए फाइल की लंबाई हम लोग कहाँ से लेते हैं, फाइल का इधर बिल पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, और फाइल का इधर बिल, और हिल में यहाँ पर जो खाली जगह भाग देख रहे हो यहाँ पर फाइल का नेम रहता है या आपका कंपनी का भी नाम आपका लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ जैसे आपका सेकंड कट फाइल है तो सेकंड कट लिखा हुआ रहेगा, बास्टर्ड फाइल है तो बास्टर्ड स्मूथ है तो स्मूथ लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ फाइल का आपकी पहचान होती है कि ये कौन सा आपका फाइल है। और फाइल की देखिए लंबाई, ये हिल देख रहे हो जिस जो खाली जगह जो भाग था उसको हिल कहते हैं, और हिल से ये पॉइंट, हिल से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ फाइल, हिल से कहां पॉइंट के बीच की दूरी, लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ फाइल, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो हैंडल होगा ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, इसीलिए फाइल का कहां से लेते हैं, हिल टू पॉइंट के बीच, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए फाइल का आपका एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे आपका टाइप्स ऑफ फाइल, तब तक के लिए धन्यवाद।